नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेली लाइफ मंत्रा में। मैं मानवी आज आप सबके सामने फिर एक बार एक नई खबर के साथ फिर उपस्थित। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को लेकर के है। जी हाँ, जो जिम सेंटर्स हैं और योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वो रीओपन होने वाले हैं 5 अगस्त से। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो जिम लवर हैं और योगा लवर हैं। ये न्यूज़ हमारे लिए भी अच्छी है क्योंकि हमारा जिम फिर से वेंसडे से रीओपन होने वाला है। तो फाइनली अब हम जिम कंटिन्यू कर सकते हैं। अनलॉक 3 में पूरे देश में यानी कि भारत में हर जगह हर क्षेत्र पे जिम और योगा इंस्टीट्यूट को रीओपन किया जाएगा। बट उन क्षेत्रों में ये जिम अभी भी और योगा सेंटर्स अभी भी बंद रहेंगे जो कंटेनमेंट जोन में है, यानी कि जिस क्षेत्र में जिस एरिया में पॉजिटिव केसेस हैं या COVID-19 केसेस पाए गए हैं या इन्फेक्शन है, जो कंटेनमेंट जोन है उन क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में योगा और इंस्टीट्यूट सेक्शंस खोले जाएंगे। ये नई गाइडलाइन के को फॉलो करते हुए खोले जा रहे हैं, यानी कि जो जिम है और योगा सेंटर्स है वो पुराने तरीके से रन नहीं होंगे। उन्हें नई गाइडलाइंस को यानी अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गाइडलाइन कौन सी है उसके बारे में, अनलॉक 3 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिम और योगा इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं 5 अगस्त से यानी कि वेंसडे से। और ये इन नियमों के तहत खुलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा है और कोई गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट वुमेन, 10 साल से कम उम्र के बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी तरीके का मेडिकल इशू है, उन्हें क्लोज प्लेस पे वर्कआउट करना मना है, यानी उन्हें ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। मास्क मैंडेटरी है, यानी मास्क लगा के ही वर्कआउट करना है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जिम के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से करना है, यानी कि जिम के अंदर या योगा के अंदर मेंबर्स के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके योगा इंस्टीट्यूट में या जिम में मशीनें हैं तो उन मशीनों के बीच में 6 फीट की दूरी होनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टाफ मेंबर्स और विजिटर के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट कम होना चाहिए, यानी उसे अवॉइड करना है ताकि जब हाँ कोई बात करे तो उनकी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के ऊपर ना जाए। अगर आपको कफ कोल्ड या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है या एनजाइटी है तो वो आप जिम पे ना आए या योगा सेंटर ना आए, अवॉइड करें। रूम का टेम्परेचर यानी कि जिम सेंटर का या योगा सेंटर का रूम टेम्परेचर 24 से 30 के बीच में होना चाहिए ताकि पूरी तरीके से आपको फ्रेश एयर मिल सके और ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध रहे। प्रॉपर वे में वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि जिम में कम से कम भीड़ रखनी है। एक स्लॉट में उतने ही लोग रखने हैं जितना आपके पास जिम में स्पेस हो, यानी कि 4 मीटर की डिस्टेंस सब मेंबर्स के बीच में मेंटेन हो सके। अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके आनी है और अपना 1 टाइम यूज़ क्लॉथ भी साथ में लेके आना है। किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करना है और समय समय पर हाथों को धोते रहना है। कोरोना के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो मेंबर अपने इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी मेंबरशिप भी रद्द की जा सकती है। तो वर्कआउट करना ज़रूरी है, वर्कआउट के साथ ही साथ आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको ये गाइडलाइन समझ में आई होगी। अब 5 तारीख यानी कि परसों ही है और जिम भी ओपन होने वाले, योगा सेंटर भी ओपन होने वाले हैं, तो अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन नियमों का पालन करें। सोशल गैदरिंग ना करें, कम से कम करें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू से, हाथों से या एल्बो से ढक कर रखें, यानी कवर करके रखें। जिम और योगा सेंटर में लोगों यानी मेंबर्स के आने जाने के लिए 2 वे होने चाहिए, यानी एक एंट्रेंस होना चाहिए और एक एग्ज़िट होना चाहिए। 2 स्लॉट के बीच में 15 से 30
मिनट का ब्रेक होना चाहिए, यानी कि जब एक स्लॉट के मेंबर्स वर्कआउट करके पूरी तरीके से निकल जाए तभी दूसरे स्लॉट के मेंबर्स को एंट्री मिलनी चाहिए। कोशिश ये करें कि एक दूसरे से दूरी बना करके रखें और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। एंजाइटी होने पे वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें या घबराहट होने पे वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें, उसे अवॉइड करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा बताई गई गाइडलाइन की इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपको सही लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय। टेक केयर।